हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल ऑल न्यूज नेशन में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि जब मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप पर उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नए रिश्ते की शुरुआत में अपने प्यार को इस तरीके से करें मजबूत। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सोच समझकर भी किसी नए रिश्ते को नाम देते हैं, जिसमें वे काफी दिनों तक एक दूसरे को डेट करते हैं और फिर रिलेशनशिप में आते हैं। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब आपसी समझ का कम होना और एक दूसरे की बातों को इग्नोर करना रिलेशनशिप को बिगाड़ने लगता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिससे अपने रिश्ते को एक अच्छे तरीके से मजबूत बना सकते हैं। हमेशा कोशिश यही करें कि आप अपने पार्टनर की बातों का ध्यान से सुने कि वह कहना क्या चाह रहे हैं। यह समय ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जान पाते हैं कि वह क्या और कैसे स्वभाव के हैं। इसलिए आप उनकी बातों को ध्यान से सुने और वो आपके प्रति क्या सोचते हैं। यह सब अगर आप समझ जाएंगे तो आप अपने रिश्ते को हमेशा मजबूती बनाकर चल सकते हैं। हमेशा आप यह कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर को खुश रखें, जिससे उसके चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट रहे। कभी भी ऐसा कोई काम मत कीजिए कि आपके रिश्तों में खटास और दूरी आ जाए, बल्कि यही कोशिश करें कि आप अपने रिश्ते को हमेशा नए नए तरीकों से बनाकर चलें और एक दूसरे को खुश रखने के लिए वह हर संभव प्रयास करें, जिससे आप दोनों को एक बेहतरीन कपल की भूमिका निभा सकें। हमेशा यही कोशिश करें कि अपने पार्टनर को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि कभी कभी इन्हीं वजह से एक दूसरे से मतभेद होने लग जाते हैं कि हमें एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए आप दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद को ध्यान रखते तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे रिश्ते को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका अपना चैनल ऑल न्यूज नेशन, जो कि बिल्कुल फ्री है।